वेलकम बैक टू एके पॉली दोस्तों, हम सब इस सब्जेक्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के चैप्टर टू में जो है दोस्तों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की स्टडी कर रहे हैं, जिसे हम गुणोत्तर सरणी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो है हम सब लेक्चर नंबर आज 9 पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने लेक्चर नंबर 8 भी देख चुके हैं इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 2 के, ठीक है दोस्तों। उसमें हमने आपको बेसिक तरीके से बताया है सूत्र को भी और कैसे कैसे डिफाइन किया जाता है, और उसमें जो 7 क्वेश्चन भी बता दिए हैं। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, और आपके प्रश्नावली से संबंधित जो है सभी टाइप्स के क्वेश्चन हम सब हल करेंगे। आप लोग अच्छे से देखते रहिए दोस्तों, आप लोगों को बेहद तरीके से समझ में आएगा, और हम अपने तरीके से दोस्तों आपको आसान से आसान तरीके से पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों क्या दिया क्वेश्चन, किसी गुणोत्तर श्रेणी का पी प्लस क्यूवा पद एम है और पी माइनस क्यूवा पद एन है, तो उस श्रेणी का पीवा पद ज्ञात कीजिए। ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन दिया ना, तो ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़ के तब इसे लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। तब साफ कीजिए, देखिए गुणोत्तर श्रेणी का पी प्लस क्यूवा पद, तो दोस्तों देखिए आप पी प्लस क्यूवा दिया है ना, पी प्लस क्यूवा पद मतलब ये क्या है, एन का मान है, ठीक है। तो मान लेंगे यहाँ पर दोस्तों दिया है, क्या दिया है, दिया दोस्तों एन बराबर क्या दिया है पी प्लस क्यू। यदि पी प्लस क्यू एन दिया तो इसका देखिए पी प्लस क्यूवा पद एन है, तो दोस्तों देखिए इसका वह पद कैसे ज्ञात करते हैं, टीएन पद बराबर ना, टीएन बराबर मतलब कितना दिया है यहाँ पर एम दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे एम इसका जो है, ठीक है दोस्तों, इसका टीएन पद एम दिया है। और इसका लिख लीजिए पी माइनस क्यू, मतलब इसका एन बराबर कितना दिया है पी माइनस क्यू दिया है, वह पद एन है मतलब टीएन पद इसका क्या दिया है दोस्तों एन के बराबर दिया है, ठीक है ना, इसका टीएन पद बराबर। इतना समझ आया दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा एक चीज, अब इतना हो गया। और मान लीजिए इसमें माना क्या, देखिए दोस्तों हम आपसे पहले कहा था कि मान लेंगे अपने से क्या प्रथम पद क्या दिया दोस्तों, यहाँ पर है नहीं इसलिए प्रथम पद क्या मान लेंगे ये है, और सार्वान्तर क्या मानेंगे दोस्तों, सॉरी दोस्तों सार्वानुपात, सार्वानुपात क्या हो जाएगा हमारा आर मान लेंगे, ठीक। अब ध्यान से देखिए सार्वानुपात आर भी हो गया हमारा, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार जो दिया हमें वो करेंगे, ठीक है ना, प्रश्नानुसार, ठीक दोस्तों। देखिए कह रहा है पी प्लस क्यूवा पद, देखिए दोस्तों हमारा फार्मूला क्या होता है टी एन ओ बराबर, देखिए टी एन ओ पद बराबर होता है ए आर के पावर एन माइनस वन, इतना होता है दोस्तों। अब ध्यान से देखिए टी एन एन यहाँ पर होता है, ठीक है, यहाँ पर हमें किसका याद करना है, देखिए एन का मान क्या दे पी प्लस क्यू दिया, यहाँ पर टी एन का मान क्या दे पी प्लस क्यू लिखेंगे इक्वल टू दोस्तों, ठीक है ना, ए की जगह पर ए लिख देंगे, आर की जगह पर आर, एन की जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए एन की जगह पर यह है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन की जगह पर p प्लस क्यू माइनस वन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए इतना होने के बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिए इसका, देखिए p p प्लस क्यूवा पद का मान कितना दिया है, मतलब tn पद का यहाँ पर मान कितना दिया था, देखिए दोस्तों ध्यान से यहाँ पर देखिए इसका मान टोटल कितना दिया था m दिया था, तो इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका मान टोटल हो जाएगा हमारा m, ठीक है दोस्तों, इसका मान m हो जाएगा, ओके दोस्तों। यहाँ पर आप कह सकते हैं देखिए n बराबर इतना, तो इस m की जगह पर आप लिख सकते हैं p प्लस क्यू, ठीक है, और इस भी एन की जगह पर यहाँ पर लिख देते हैं पी माइनस क्यू लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए तो इसका मान क्या हो गया, इतना उतर गया इक्वल टू ए आर है ना, तो ए आर की पावर पी प्लस क्यू माइनस वन, समीकरण एक मान लेंगे दोस्तों। अब देखिए ध्यान से, अब इसके द्वारा देख लेते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर तो इसका निकालेंगे टी एन पद, तब क्या ज्ञात होगा, ए है तो ए हो गया, आर दिया है तो आर हो जाएगा दोस्तों, देखिए एन माइनस वन फार्मूला तो यही है हमारा से, ठीक है। अब देखिए टी एन का मान मतलब टी एन का मान कितना दिया इसने p माइनस क्यू है दोस्तों, p माइनस क्यू कर देंगे इक्वल टू a है ना, तो a लिखिए r के पावर n माइनस वन, n का मान दोस्तों देखिए यही होता है ना, मतलब p माइनस क्यू माइनस में वन हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए t p माइनस क्यू का मान कितना दिया दोस्तों, n के बराबर है ना, तो n इक्वल टू ए आर के पावर p माइनस क्यू माइनस वन, ठीक है दोस्तों, इसे समीकरण दो मान दें, इतना समझ में आया दोस्तों। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे दोस्तों देखिए ध्यान से, अब जो है समीकरण एक का, समीकरण एक तथा दो का गुणा करने पर आपस में, ठीक है ना, समीकरण एक व दो का गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है दोस्तों, गुणा करने पर देखिए क्या ज्ञात होता है, गुणा जब करते हैं तब देखिए इसका गुणा यहाँ पर होगा बार का बाद में, मतलब एम गुणे एन हो जाएगा इक्वल, इसका गुणा इसमें करेंगे ना, तो पहले इसे उतार लीजिए, ए आर के पावर पी प्लस क्यू माइनस वन
गुणे में दोस्तों क्या करेंगे, ये वाला बता दिए ए आर के पावर पी माइनस क्यू माइनस वन, इतना समय में आया दोस्तों। अब ध्यान से देखिए इसका पूरा करेंगे आपस में, पी एन हो जाएगा ठीक है, एम एन ठीक है दोस्तों, एम एन हो जाएगा इक्वल टू, देखिए एक आई एक में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों ठीक है। अब देखिए आर आ रहा है ना, देखिए गुणे में यदि आधार क्या हो सेम हो तो उसे एक बार लिख लेते हैं और उसकी घात को क्या करते हैं दोस्तों जोड़ देते हैं, तो जोड़ दीजिए यहाँ पर देखिए पी प्लस क्यू माइनस वन हो गया, और ये भी जोड़ना है ना हमें, तो देखिए प्लस में करके इसे भी ऐसे जोड़ दीजिए, जोड़ दिया दोस्तों। अब देखिए ध्यान से कितना मिल जाएगा हमें, एम एन बराबर ए स्क्वायर इंटू आर है ना, तो आर लिख दीजिए, देखिए पी है एक पी यहाँ पर है, दोनों मिलकर कितना हो गया टू पी हो गए। अब देखिए प्लस में क्यू है माइनस में क्यू है ठीक है, प्लस माइनस माइनस घट जाएंगे मतलब जीरो हो जाएंगे ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस एक जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएंगे माइनस टू हो जाएंगे, इतना समझ में आया। तब यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, एम एन बराबर ए स्क्वायर इंटू आर लिखे, इसमें देखिए दोस्तों दो कॉमन मिल रहा है ना, तो दो कॉमन लीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा पी माइनस वन बच जाएगा हमारा ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से देखिए एम एन है ना, तो एम एन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों ध्यान दीजिए ठीक है, देखिए इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर है, इन दोनों का स्क्वायर है, तो इन दोनों का स्क्वायर यदि हटा तो इधर वाला भाग किसमें हो जाएगा कड़ी हो जाएगा ठीक है ना, तो यहाँ पर बचेगा ए आर और ये कितना है पी माइनस वन है ठीक है दोस्तों। तो इतना समझ में आया, देखिए दोस्तों जो कड़ी होता है इसे प्लस माइनस के रूप में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों दिस इज द आंसर, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों, और दोस्तों इसे जो है आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, और यदि दोस्तों थोड़ी सी भी इसमें दिक्कत हो रही होगी ठीक है ना, न समझ में आए एक बार और इसे जरूर देख लीजिएगा ठीक है ना फिर से, ताकि अच्छे समझ में आ जाए आप लोगों को ठीक है ना दोस्तों। हम पूरी कोशिश किए हैं आसान से आसान तरीके में बताने की दोस्तों, तो इसे स्क्रीन शॉट लीजिए ताकि आगे बढ़ेंगे ठीक दोस्तों। देखिए ये जो है इसमें हमें क्या करना था, पीमा पद बताना था दोस्तों, पीमा पद क्या हुआ तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, वैसे आंसर तो सेम है हम लोगों का ठीक है ना। देखिए पीमा पद कैसे बताएंगे कि यही हमारा आंसर है, देखिए पीमा पद को क्या कहते हैं, पीमा पद हमें ज्ञात करना, जैसे टीएनवा पद, टीएनवा पद में क्या कहते थे दोस्तों, टीएनवा पद में हम लोगों का सूत्र होता है ए आर के पावर ए माइनस वन होता है ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या है टी पी के बराबर, मतलब पीमा पद ज्ञात करना था ना, पीमा पद मतलब पी के मान में दिया है पी है, एन का मान क्या दिया है पी दिया है ठीक है, ए आर के पावर एन माइनस वन होता है दोस्तों। तो देखिए एन के जहाँ पर पी माइनस वन हो जाएगा नहीं दोस्तों, देखिए तो यही दिया है कि नहीं, इसीलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे पीमा पद बराबर क्या हो गया दोस्तों, देखिए इसी रूप में है कि नहीं है ना, तो देखिए पीमा पद बराबर इतना हो गया नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा दोस्तों, यही बताना था थोड़ा सा ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आठ, जो कि इस प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन है ठीक है ना, मतलब चैप्टर दो का प्रश्नावली जो 2.1 है इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी पे संबंधित आपका प्रश्नावली 2.1 पूरी लग जाएगी ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अच्छे से देखिए यहाँ पर ठीक है ना, यदि हमारे लेक्चर अच्छे से आप पढ़े होंगे तो आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं कि लग जाएगा ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट क्या है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के पी में कामा क्यू में तथा आर में पद क्रमशः एक्स कामा वाई कामा जेड हो तो दिखाइए कि एक्स के पावर क्यू माइनस आर कामा इंटू वाई के पावर आर माइनस पी इंटू जेड के पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू ए के, हमें सिद्ध करना है ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें सबसे पहले ज्ञात करेंगे दिया है, देखते हैं दोस्तों क्या है दिया है, दिया क्या है ठीक है दोस्तों, दिया क्या है, दिया है क्या दिया दोस्तों, ध्यान से देखिए पी में पद, जैसे दोस्तों हम कहते हैं टीएनवे पद, एनवे पद कहते हैं ना, एनवे पद का फॉर्मूला क्या होता है मतलब टीएस दर्शाता है ना, इसी प्रकार इसे पी में पद है तो इसे क्या कर सकते हैं टीपी कह सकते हैं कि नहीं दोस्तों, कह सकते हैं ना सेम इसी प्रकार। अब देखिए ध्यान से इसी प्रकार कह सकते हैं, यदि ये क्या पी में पद किसके है एक्स बराबर है ठीक है ना, ये किसके बराबर है एक्स के बराबर है, क्रमशः कहा है ना पद क्रमशः इतने 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 हो, तो देखिए ये p क्या है x के बराबर हुआ कॉमा लगाइए, अब x है मतलब t q बराबर किसके है दोस्तों y के, अब देखते हैं दोस्तों तथा r मतलब t r बराबर किसके है दोस्तों z के, इतना समझ में आया दोस्तों, आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया दोस्तों। देखिए इतना हो गया, अब क्या करते हैं ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे मान लेते हैं माना प्रथम पद नहीं दिया ना दोस्तों, ये मान लेते हैं और सर्वानुपात मान लेते हैं दोस्तों ठीक है ना, सर्वानुपात क्या मान लेंगे आर मानते हैं तो आर मान लेंगे ठीक है ना, देखिए दोस्तों कॉमन रेशियो होता है ना, देखिए ये हो गया। अब ध्यान से देखिए हम लोग क्या करेंगे प्रश्न के अनुसार सॉल्व करेंगे ठीक है दोस्तों,
प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए इसका मान पहले ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। टीपी बराबर क्या होता है, ध्यान से देखिए, टीपी बराबर फार्मूला आप तो जानते ही हैं, टीएनआ पद बराबर फार्मूला ए आर के पावर एन माइनस वन होता है, ठीक है। इस पर टीपी के बराबर क्या होगा, ए हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर के पावर एन माइनस वन होता है, एन के जगह पर क्या होता है दोस्तों, ये वाला एन यहाँ पर आ जाता है, मतलब पी यहाँ पर आ जाएगा, पी माइनस वन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा समीकरण एक, हो गया इतना हुआ दोस्तों। अभी समीकरण एक में मानिए ऐसे मान लीजिए, अब देखिए अब इसको हल कर लेते हैं, क्या दिया है, अब दिया है दोस्तों जो ये वाला, मतलब टी यहाँ पर लिख देते हैं, टी क्यू बराबर वाई दिया है ना, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका मान भी रख दीजिए यहाँ पर, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए आर के पास पी माइनस वन, इतना समझ में आया ना दोस्तों। अब ध्यान दीजिए इतना हो गया, अभी से क्या करते हैं, टी क्यू, टी क्यू बराबर क्या होगा, ए हो गया, इसी तरह आर होगा, ऊपर एन का मान क्या हो जाएगा, क्यू माइनस वन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो टी क्यू का मान कितना दिया, वाई बराबर ए के पावर आर ए इंटू आर के पावर क्यू माइनस वन हो जाएगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब इसका मान याद कर लेते हैं दोस्तों, क्या है, टी आर दिया ना, टी आर बराबर क्या होगा, ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन होता है ना, तो एन क्या होगा, आर माइनस वन हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिए टी आर बराबर कितना दिया हमारा, जेड के बराबर है, जेड बराबर ए इंटू आर के पावर आर माइनस वन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, इतना समझ आया दोस्तों। अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये दिया ना, अब देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ये इतना पार्ट क्या है, एक के बराबर कर दीजिए, ये करना है ना। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, हम इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं एल एच एस में, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड में देख लेते हैं, ठीक है ना, इसे ले लीजिए, देखिए क्या है, एक्स के पावर क्यू माइनस आर इंटू वाई के पावर आर माइनस पी इंटू जेड के पावर पी माइनस क्यू, ठीक है दोस्तों, यही है ना लेफ्ट हैंड साइड। इसके बराबर देख लीजिए दोस्तों क्या होगा, एक्स का मान, देखिए दोस्तों एक्स बराबर कितना दिया, इतना मान दिया है, नहीं, एक्स की जगह पर इतना मान पुट कर दीजिए, देखिए ए आर के पावर पी माइनस वन, और इसके पावर कितना दिया दोस्तों, देखिए ये टोटल ही पावर है ना, तो इसके ऐसे कर दीजिए, ऐसे करेंगे क्या लिखेंगे, क्यू माइनस आर, कितना हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिए इनटू है, मतलब गुणे चिन्ह लगा दीजिए, वाई का मान, वाई का मान देखिए दोस्तों कितना है, इतना आया ना, ए आर, ए आर लिखिए, और देखिए यहाँ पर क्या दिया, इसके पावर क्या दिया है, क्यू माइनस वन, और टोटल के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए टोटल के पावर आर माइनस पी है, तो आर माइनस पी लिख दीजिए, घूड़े लगाए। अब देखिए दोस्तों आर वाले का मान, जेड वाले का मान कितना है, जेड बराबर इतना है ए आर, ए आर ऊपर कितना हो जाएगा दोस्तों, आर माइनस वन है, तो आर माइनस वन कर दीजिए, टोटल के बट्टे दोस्तों देखिए क्या दिया है यहाँ पर, पी माइनस क्यू दिया, तो यहाँ पर लिख देंगे पी माइनस क्यू, इतना समझ आया दोस्तों। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ से हल कर रहे हैं, देखिए बराबर ये तो इसके बराबर ज्ञात ही कर रहे हैं, ठीक है ना, बराबर इसको देखिए हल करते हैं, देखिए कैसे, ये देखिए दोस्तों ये क्या है, वो टोटल का वर्ग है, ठीक है ना, तो देखिए इसका भी वर्ग होगा अलग से, ए के पावर क्या लिख सकते हैं, क्यू माइनस आर लिख सकते हैं दोस्तों, गुणे किए, गुणे आर करके आर के पावर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसका गुणा इसमें, देखिए जैसे पी माइनस वन ये हो गया, ये क्या होगा, घात का घात में गुणा होता है ना, क्यू माइनस आर हो जाएगा, इतना हुआ दोस्तों, गुणा किए, गुणे कर दिए, ए आर है, देखिए ए के पावर थ्री अब देखिए कितना है, इतना भी हुआ, आर माइनस पी हो जाएगा, गुणे अब आर के पावर क्या दिया दोस्तों, क्यू माइनस वन एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में ये आ जाएगा हमारा, इसमें गुणा होगा क्यू माइनस आर, ठीक है, गुणे किए, गुणे लगा दिए, ए के पावर में देखिए क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू, क्यों दोस्तों, पी माइनस क्यू इसमें भी करेगा, इसमें भी करेगा, सेम जैसे, ठीक है, यहाँ पर देखिए गुणे लगाए, आर के पावर कितना है, आर माइनस वन है दोस्तों, तो ये दूसरे क्वेश्चन में क्या है, पी माइनस क्यू, ठीक है, इतना समझ आया दोस्तों। अब देखिए ध्यान से हमारा होगा क्या, यहाँ पर देखिए दोस्तों किसमें किसमें आधार से मिल रहा है, देखिए ए आधार यहाँ पर भी, ए आधार यहाँ पर भी, ए आधार यहाँ पर, जब भी गुणे में आधार सेम होते हैं तो उसमें क्या करते हैं दोस्तों, गुणे में आधार सेम होते हैं तो घात को जोड़ देते हैं, देखिए आधार कौन कहाँ है, ए यहाँ पर है ना, ए का टोटल आधार ले लीजिए, आधार ले लिए ए हो गया, घात इन सबके जितना उतना जोड़ देंगे सीधे, देखिए क्यू माइनस आर हो गया, प्लस एड करेंगे किसका, यहाँ का आर माइनस पी कर देंगे, प्लस एड करेंगे कहाँ का, यहाँ का पी माइनस क्यू, यहाँ ए के पावर पे है, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए अब बात आती है आर की, देखिए आर में आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर, तीनों का आधार क्या है, आधार सेम है ना, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों गुणा कर रहे हैं ना, तो गुणा कर दीजिए, आधार सेम है, आधार लिख दिए, इसमें भी क्या करेंगे, घात को क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे ना, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या दिया है, गुणा करके जोड़ देते हैं, देखिए ध्यान से
यहाँ पर इसका गुणा इसमें कह देते क्या हो जाएगा दोस्तों, पी क्यू हो जाएगा ना, पी क्यू, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा पी क्यू हो जाएगा यहाँ पर। देखिए पी का गुणा माइनस आर में करेंगे तो माइनस पी आर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों इतना समझा। अब देखिए माइनस क्यू हो जाएगा, वन से गुणा करेंगे फिर माइनस वन से आर में गुणा करते हैं माइनस माइनस प्लस आर हो जाएगा दोस्तों, इतना आया समझ में। अब देखिए प्लस इस वाले घात कर देते हैं, जोड़ देते हैं, देखिए आधार सबका सेम आर मान लिया दोस्तों, इन सभी को जोड़ रहे हैं ठीक है ना। देखिए अब जोड़ते हैं इस वाले आधार को, देखिए इस घात को, देखिए क्यू का आर में गुणा करेंगे क्यू आर हो जाएगा ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्यू का माइनस पी में गुणा करेंगे तो क्यू पी हो जाएगा, माइनस वन से आर में गुणा करेंगे माइनस आर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों पी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों इतना समझ आया। अब ध्यान दीजिए फिर प्लस करेंगे किसका, इसका घात जोड़ेंगे आर पी हो जाएगा यहाँ पर माइनस आर हो जाएगा आई क्यू, ठीक है दोस्तों। अब देखिए माइनस में पी हो जाएगा माइनस माइनस, प्लस में क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा दोस्तों, इतना समझ आया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पर मिलेगा क्या, ए है ना, ए लिख दिए, देखिए क्यू है ना, क्यू प्लस में है ये माइनस में है, घट जाएगा जीरो हो जाएगा, आर माइनस में प्लस में है ये भी घट के जीरो हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस में ये भी घट के जीरो हो जाएगा, मतलब ए के पावर कितने है जीरो है, गुणे है तो गुणे लगा दीजिए, आर है ना यहाँ पर आर उतार दिए पहले। अब देखिए पी क्यू प्लस में है ना, देखिए पी क्यू कहाँ पर माइनस में दिया, देखिए क्यू भी माइनस में है कि नहीं है ना, अब देखिए पी आर माइनस में है तो देखिए प्लस में पी आर कहाँ पर दिया है यहाँ पर दिया ना, इसे कर दिए यहाँ पर मतलब माइनस कर दिए घटा दिए। अब देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस हो गए आपस में, ये देखिए प्लस आर माइनस आर यहाँ पर है ये भी आपस में घट जाएंगे, क्यू आर प्लस में है माइनस में क्यू आर आपस में घट जाएंगे, देखिए पी प्लस में पी माइनस में ये भी आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों घट जाएंगे, तो इसका घटने के बाद कितना आ जाएंगे घात इसके भी जीरो हो जाएंगे। और आपको पता है कि दोस्तों जब हमारे चर पद के पावर जो घात जीरो होती है उसका मान क्या होता है दोस्तों सदैव एक होता है, तो दोस्तों देखिए इतने के इक्वल टू कितना एक के बराबर आ गया कि नहीं, तो दोस्तों प्रूफ हो गया ठीक है, दिस इज द आंसर दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये अच्छे समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमारा इस प्रश्नावली का जो है प्रथम प्रश्नावली का जो है चैप्टर 2.1 का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद दोस्तों हम सब अगले लेक्चर में मिलते हैं ठीक है, वो भी चैप्टर 2.2 प्रश्नावली के ठीक है दोस्तों, उसमें मिलते हैं। तो दोस्तों अच्छे तरह पढ़ते रहिए, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।